अपने परिवार में अशांति का कारण, कलह का कारण, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कारण कई बार हम खुद होते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हमारे कुछ ऐसी इंटीमेट और सीक्रेट बातें हैं जो हम दूसरों को बता देते हैं। लोग आपकी बातें बहुत मजे और चटकारे लेकर सुन तो लेते हैं और आपको ज्ञान भी देने लग जाते हैं साथ साथ, ऐसा करो ऐसा मत करो। ज्ञान देने वाले बहुत आ जाते हैं पर वाकई में मदद करने वाला कोई नहीं आता। अपनी बुद्धिमता, अपनी विवेक से काम लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी 7 बातें जो हमें कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इसके अलावा, इन 7 बातों के अलावा, अगर कोई ऐसी बात भी है जो मैं भूल गई हूँ गलती से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो बिना देरी किए माय डियर फ्रेंड्स, खो जाइए इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बींग अ वुमन एंड लेट द माइंड टॉक बिगिन। सबसे पहली बात जो हमें किसी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी मजबूरी। जो आपकी मजबूरी हो उसको बताकर किसी की भी नज़र में दया का पात्र बनने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी की नज़रों में देखिए, आप किसी को भी कोई जो पॉइंट्स बताते हैं कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो किस लिए बताते हैं? उसकी 2 वजह होती है। या तो आप उनकी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप उनसे आर्थिक मदद लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक हेल्प लेना चाहते हैं। इन दोनों ही केस के अंदर देखिए, सामने वाला आपको बिल्कुल मूर्ख समझेगा कि यार कितना बेवकूफ है यार, इसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा है ये। या तो देखिए वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, अगर आपकी मदद कर भी दी ना आज तो उसका आगे भविष्य में फायदा उठाने की कोशिश करेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाया ना किसी तरीके से तो वो आपका मजाक उड़ाएगा सबके सामने और 4 लोगों को ये बात बताएगा कि देखा उसके तो ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है। कभी भी किसी भी मजबूरी में हो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिएगा उससे खुद ही निपटें, उसकी भनक किसी को मत लगने दीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपके साथ प्रॉब्लम एक है लेकिन 10 प्रॉब्लम और बाहर वाले क्रिएट करने के लिए तैयार बैठे हैं, जरा भी देखिए जितना ज्यादा आप अपनी जो मजबूरियों का ढिंढोरा पीटेंगे, जितना ज्यादा बखान करेंगे अपनी कमजोरियों का, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। मदद करने कोई नहीं आएगा, ज्ञान देने सब आएंगे लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आएगा। दूसरा, अपने अतीत की गलतियां और अपने भविष्य की रणनीतियां। देखिए, जो पास्ट में हो चुका है, अतीत में घट चुका है, आपसे कुछ भी गलती हुई या कहीं आपकी बेइज्जती हुई या आपने कोई गलत काम कर दिया या आपसे गलती से कुछ नुकसान हो गया, उसको अब वापस ठीक तो नहीं किया जा सकता ना, तो उसके बारे में बात किस लिए करनी, क्यों उसको डिस्कस करना, क्यों किसी से शेयर करना। उसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट जो माय डियर फ्रेंड इसी में है, भविष्य की रणनीतियां, आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स जो है उसको भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, काम तो आपको खुद ही करना है, किसी और ने करना नहीं है, वो आपके काम का पार्ट भी नहीं है, फिर उसको उनको किस लिए बताना। और एक चीज और सोच करके देखिएगा कि इससे पहले अगर आपने कोई भविष्य में रणनीति आपने बता दी हो किसी को और वो सक्सेसफुल हो गई हो, मैं नहीं मानती। कई बार ऐसा होता है कि हम भविष्य की रणनीति या लोगों को बता देते हैं, वो हमारी जो प्लानिंग होती है वो सक्सेसफुली नहीं होती और फिर लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अरे तूने तो एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, क्या हुआ फिर तेरा उसका? या इसी तरह से आप कोई कि यार मैं वेट कम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने जिम ज्वाइन की है, 2 महीने बाद वही लेडी मिलती है, यार तुम्हारा वजन कम तो नहीं हुआ, जिम जा रही थी ना तू, क्या हुआ? अपने भविष्य की रणनीति, फ्यूचर प्लानिंग लोगों को बता देने से देखिए लोग उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, ये चीज देखी गई है कि अगर आप अपना भविष्य में प्लानिंग क्या करने वाले, फ्यूचर प्लानिंग लोगों को बता देते हैं ना, तो आपका उसको अचीव करने के लिए जो उत्साह होता है, एंथुजियाज्म होता है, जोश होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है कंपैरेटिवली इसके कि देखिए सफलता को कुछ शोर मचाने दीजिए, मेहनत इतनी शांति से कीजिए कि सफलता कुछ शोर मचा दे। एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कभी भी पहले डिस्क्लोज मत कर दिए करिए अपना अगला कदम कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। जब आपका काम हो जाएगा तो लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा, लोगों की बधाई आने दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनको मौका दीजिए कि उनको वो चीज अचानक से पता चले। थर्ड पॉइंट, अपने घर की बातें। अपने घर की बातें जो है हम अक्सर लाइक जो पति पत्नी के बीच में हो रही है, या 2 भाइयों के बीच में झगड़े हैं, या देवरानी जेठानी के बीच में, या सास बहू के बीच में झगड़े हैं, या कोई भी आपसी संबंध जो खराब है, या केवल कहासुनी भी हो गई है बन लाइक माँ बाप से हो गई है, तो हम क्या करते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों के साथ वो सब चीजें विश्वास में आकर शेयर कर लेते हैं। क्यों? उनका सॉफ्ट कॉर्नर गेन करने के लिए। होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपकी बातें सुन तो लेते हैं, अल्टीमेटली उनके रिलेशन, वो अपने रिलेशन ना आपकी वजह से सामने वाले से या लाइक आपका भाई है उससे खराब नहीं करेंगे, उनके रिलेशन उनसे अच्छे होंगे, बल्कि उनको आपकी बातें जान करके आपको एनालाइज करने का, आप में घुसने का। देखिए, अगर विभूषण नहीं होता ना तो इतनी आसानी से, राम के लिए आसान नहीं था रावण को मारना,
घर का जो जो भेदी होता है ना, वही लंका को ढाता है। तो हमेशा जो घर का भेद अगर आप बाहर वालों को बताते हैं, चाहे वो पड़ोसी है, रिश्तेदार हो, इन पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपने घर की बातें करने से बिल्कुल बचकर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। केवल बातों के जरिए आप उनको अपने घर में घुसा लेते हैं, उनको सारी बातों का पता चल जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, फिर वो आपसे हमेशा पूछते रहते हैं। कभी ना कभी आपके अगर उनसे रिलेशन ठीक भी हो गए ना, तो भी वो पुरानी बातों का, अरे तुम्हारे बीच में तो झगड़ा था ना पहले, तो अब अल्टीमेटली अब सब सही हो गया है। लेकिन वो भी वो चीजें लोगों के दिमाग से नहीं निकलती, क्योंकि लोग क्या है, आप तो दिल से बातें बताते हैं लोगों को, लोग अपना दिल दिमाग दोनों लगाना शुरू कर देते हैं उसमें। तो लोगों को आपके दिल की बातों में अपना दिमाग मत घुसेड़ने दीजिए, बेहतर है कि अपनी बातों को अपने तक ही रखिए, अपने घर की जो झगड़े हैं, घर की प्रॉब्लम जो है, उनको खुद ही शेयर करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, आपने घर की प्रॉब्लम को आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। अपनी आमदनी, अपनी इनकम, अगर आप कम बताओगे तो लोग आपको लो समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, ज्यादा बताओगे तो आपसे हेल्प मांगेंगे। अब अगर आपने किसी को कह दिया कि मेरी इनकम इतनी है उतनी है, तो उस केस में क्या होगा, कभी किसी ने आपसे हेल्प मांग ली और लोगों को लगेगा अगर आप कि नहीं दे रहे हो, तो सोचेंगे पैसा होने के बावजूद भी ये आदमी ऐसा है कि मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप लोगों की नजर में बुरे बन जाओगे। वहीं अगर आप कम आमदनी बताओगे तो लोग आपको बहुत कम समझेंगे, अरे ये तो ऐसे ही है यार, इसकी इनकम तो ज्यादा है नहीं, इसका लाइफ स्टेटस ऐसा ही ऐसे ही रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब इस तरह की लोगों की थॉट्स बन जाती हैं। तो क्या जरूरत है, वैसे भी कहा जाता है किसी भी औरत से उसकी उम्र और आदमी से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, पर आज का जो मॉडर्न सिनेरियो उसमें तो मैं कहूंगी, क्योंकि लेडीज भी हमारे यहाँ कमाती हैं, तो कभी भी जो आदमी हो या औरत, हमें कभी भी किसी की आमदनी नहीं पूछनी चाहिए और ना ही कभी इनकम आपको चला करके किसी से शेयर करनी चाहिए। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है। अपनी कमजोरियों को का लोगों को आइडिया नहीं होता, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरियां कुछ पता है और लोगों को आप बता देते हैं कि यार मेरी तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसा कर देती हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल पाती कभी कोई काम के लिए, अब लोग आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं वहां पर। अच्छा, तुमको पता तो है ही ना नहीं बोल पाती, सपोज आप किसी ऑफिस में काम करती हैं और आपकी कोलीग को ये बात पता है कि आपने बोल दिया कि मैं तो ना नहीं बोल पाती हूँ, वो अपना पेपर वर्क आपको देकर चली जाती है शाम को कि यार मेरे को कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे पार्टी में जाना है और तुम मेरा ये काम प्लीज आज पूरा कर दोगी, अब ना तो आप बोल नहीं पाते हो ना, तो कर दोगे। लेकिन अल्टीमेटली ना बोल पाने का खामियाजा क्या हुआ आपको, अपनी कमजोरी बताने का, कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा और लोग आपको यूज करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे ऐसे। अगर आप अपनी ताकत के बारे में लोगों को बताएंगे, स्ट्रेंथ के बारे में, तो लोग आपका कुछ ना कुछ जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका कुछ ना कुछ कार्ड ढूंढ लेंगे, उसको आपकी कमजोरी बना देंगे। अगर बाय द वे आपने ये बोला कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेती हूँ, यार तेरी मुझे बता देना कुछ पॉइंट्स बता दे थोड़े बहुत, अब अल्टीमेटली आपने 10 लिखे थे, 10 में से 4-5 ही लिखा दिए, तो आपकी मेहनत का क्या फायदा रहा, कोई मतलब नहीं रहा ना। कोई भी अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो उसका कार्ड उन्होंने अगर ढूंढ लिया ना, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी आपकी बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो इस बात की भी बहुत गांठ बांध लीजिए कि अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस किसी को मत बताइए। अपने मित्र और अपने शत्रु, अगर आप अपने मित्र के बारे में किसी को बता देते हैं ना, माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज का मित्र जो है, जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर रहे हैं ना, वो कल का दुश्मन भी हो सकता है। कई बार आपके दुश्मन आपके मित्र से मिलकर घनिष्ठता बढ़ा करके आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ही बड़ा हार्म पहुंचा सकते हैं। तो कभी भी अपने मित्र और शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। शत्रु के बारे में अगर आपने बता दिया तो वो शत्रु से घनिष्ठता कर लेते हैं, कर सकते हैं और करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कि उनको पता चल जाए ये इसकी और इसकी दुश्मनी है। अच्छा, तो बहुत आसान हो जाता है ना, आग लगाना बहुत आसान हो जाता है। तो कभी भी लोगों को अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में मत बताइए। मित्र आपका दुश्मन बन सकता है, उससे घनिष्ठता बढ़ाकर आपका दुश्मन बना सकते हैं उसको, और शत्रु से घनिष्ठता बढ़ा करके भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दान के बारे में, जो भी आपने दान किया है ना, अगर आपका बायां हाथ दान कर रहा है ना, तो आपके दाएं हाथ को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दान का जो आपने किया है उसका ढिंढोरा पीटते हैं ना, तो वो किया हुआ दान बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है और लोगों को लगता है कि यार ये क्या, जो यार दिया है ठीक है कोई बात नहीं, उसका दिखावा कर रहा है। इससे आपकी जो इमेज होती है वो भी निगेटिव हो जाती है लोगों की नजरों में। आप अपने बुद्धिमता और विवेक से सोचेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको मेरी ये सारी सातों बातें जो मैंने आपके को बोली है, आपके साथ शेयर की है, कि आपको ये सात बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, और
अगर आप ये चीज सोचकर देखेंगे तो आपको दिल दिमाग को इतनी शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा और मेरी बातें आपको ठीक लगेंगी। अपने घर में सुख शांति समृद्धि, घर में बरकत रखने के लिए और हमेशा हंसी खुशी का वातावरण रखने के लिए, एक पॉजिटिव ऑरा रखने के लिए कभी भी ये 7 बातें किसी से शेयर मत करिएगा। कोई भी पॉइंट अगर मैं भूल गई हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कौन सी ऐसी बात हो सकती है जो कि हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरी इस प्यारी सी बींग अ वुमेन फैमिली को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन।